हे वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू स्विच चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं अंतिम पे चैनल से वाकया सीन है, ट्रेनिंग मीम्स, टैग मीम्स, इंडियन मीम्स कंपाइलेशन। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। बहुत सही, प्रॉब्लम सॉल्व। तू समझा? हाँ। अरे भैया नहीं, तू समझा नहीं। अंकल ब्रा दिखा दूं? किस रेट की बेटा? अंकल सस्ती वाली दिखाना जरा। सस्ती वाली या 300 की? नहीं इससे सस्ती दिखाओ थोड़ी। इससे सस्ती 150 की? अरे इससे सस्ती दिखाओ अभी तो। और इससे सस्ती और क्या लेगी भाई? ये है 50 रुपए की। 50? इससे सस्ती नहीं है क्या? ओए छोटू, और दो डोने और सुतली दे दियो, मैडम से 10 रुपए ले लियो, उधर ले लो जी। सही बात है। एक्साइज की चोरी का इन्फॉर्मल है हमारे पास, एक्साइज की और टैक्स की चोरी के लिए, तो हमें आपका इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रोए सीबीआई कोई बैंक नहीं है, गधी कहीं की। क्यों डांट रहा है भाई बच्चे को यार? ये बच्चा है और क्या? इस बच्चे वाले गुण है कहाँ इसमें? जब ये पैदा हुआ था हमें तो तभी नर्स ने कह दिया था। बच्चा नाटक कितना अच्छा कर रहा है, पहले ये देखो। तो बाप पैदा हुआ है। अरे भाई यार देखना यार कितना रो रहा है यार, वो रो रहा है। हाँ। नाटक कर रहा है नाटक। अभी मोबाइल दे दूंगा, एकदम ही चुप हो जाएगा। क्या कर दिया इसने ऐसा? बता बता ना। अब अबे तेरी लाइफ अभी शुरू ही कहा हुई है। इसका एडमिशन करा बड़ी मुश्किल से। अच्छा। स्कूल में पहला दिन था इसका, मैडम को क्यूट लगा होगा ये, मैडम ने पप्पी ले ली इसकी। अच्छा। स्कूल की छुट्टी हुई है, दो पप्पी है मैडम की लेके आए। बेचारी मैडम पहले खुश थी, अब घबराई हुई है। ओए मतलब तमीज नहीं है तेरे को, मैडम की पप्पी क्यों ली भाई तूने? बच्चा है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऊपर से नौटंकी गाड़ी इतनी आहिस्ता चलानी है तो पैदल चल लेती, इतनी जहमत क्यों कर रही है? नहीं नहीं तुम्हारी तरह ले जाके खंती में घुस दे। ब्यूटीफुल सारी, बढ़िया मैचिंग का ब्लाउज तो नहीं है, ब्रालेट पहन ली है। क्या सीन है मम्मा जी? बहुत सुंदर लग रहे हो आज, डॉल लग रहे हो डॉल। हमारे सीने पर रखो सर अपना। रास्ते खूबसूरत हैं तुम्हारे साथ। यहाँ पर इतने सारे लोग भारी मात्रा में जुआ खेलते हैं, परिवार भी आता होगा पार्क में वॉक करने या फिर खेलने कूदने, उन पर बुरा इफेक्ट भी पड़ता होगा। आपने कभी ये नहीं सोचा कि इन्हें इन पर कंप्लेन कर दी जाए? देखो भैया कंप्लेन करी थी लेकिन पुलिस यहाँ पे आती नहीं है। क्यों नहीं आती पुलिस? क्योंकि एक बार जब आई थी पुलिस तो इनसे हार के चली गई। वो खुद ही जुआ खेलने बैठ गई। मैं खाना देने आया था पापा को। पापा को पार्क में खाना देने आए? हाँ, पापा वहाँ जुआ खेल रहे हैं ना। बहुत सही भाई, मैं बता दूँ जुए में पूरा घर चला जाता है, संसार चला जाता है, तुम्हारा घर बिक जाएगा।
वो आदमी तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ जितने लोग हैं वो सब प्रॉपर्टी लेके सब बर्बाद हो जाएंगे। मैं भी भैया यही समझता था कि घर बार सब प्रॉपर्टी चला जाता है, लेकिन आपको क्या बताऊं, हमारे दो घर बने ही इस काम से हैं। क्योंकि कुछ टाइम के लिए बुरी चीजें भी अच्छी लगती हैं, अच्छी हो जाती हैं, लेकिन उनका फल नहीं होता अच्छा। अर्ज किया है कि हर चुप रहे अर्ज किया है कि हर बार जन्म लेके तुझ पे मरता रहूं। अच्छा, हर बार जन्म लेके तुझ पे मरता रहूं, तू सोफे पे बैठी रहे मैं तेरी करता रहूं। चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा ने चाचा चाची के आगे चाचा ने जिंदगी भर जो किया है वही तो जवान पे आएगा। भैया एक गिलास पानी ला दे। क्या हुआ भाभी को? भाभी को उल्टी हो रही है। अरे ये तो खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। दारू भी क्या आई थी। आज मैं कुछ सामान लेने बाहर गई थी तो दुकानदार ने बोला कि तुम पे कैसे करोगी, उसके पास गाड़ी थी तो मैंने कहा और फिर मैं घर आ गई। इतनी तेज कैसे गाड़ी उछल सकती है भाई, तू समझा नहीं। जब आपकी गर्लफ्रेंड तैयार होके फोटो भेजा करे ना आपको, तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। उसने कहा है जब जब आपकी गर्लफ्रेंड, जब अभी नहीं है ना। चाय बनाओ मैं भी आता हूँ। हाँ सुनिए जजमान। हाँ सुनिए जजमान। ये फूल ले लीजिए हाथ में। हाँ ये फूल ले लीजिए हाथ में। हम ले लें। हम ले लें। अरे जजमान आपके पिताजी मरे हैं, श्राद्ध ना आप कराने आए हैं। हाँ जजमान आपके पिताजी मरे हैं, श्राद्ध कराने आए हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। मेरे पिताजी मरे हैं। अरे आप ही ने श्राद्ध कराने आए हैं। अरे आप ही ने श्राद्ध कराने। हम श्राद्ध कराने आए हैं। पंडित जी ने कहा था मेरे पीछे पीछे बोलो, तो इसका मतलब ये नहीं था हर एक सेंटेंस रिपीट करना है। सवा रुपया यहाँ रखिए। बीच में सवा रुपया यहाँ रखिए। हम रखे। हम रखे। अरे जजमान आप अपने पिताजी का श्राद्ध कराने आए हैं। हम पंडित जी ने आए। हम जजमान आप अपने पिताजी का श्राद्ध करा लेना है। अब पंडित जी ने है। मुंह देखा है ना मेरा। मुंह देखा है ना मेरा। हाँ तू पंडित जी है। अरे हाँ तू पंडित जी है। हम तो आई है पंडित जी ने। तो आई है। देखिए जजमान मजाक उजाक बहुत। देखिए जजमान मजाक उजाक बहुत। और ना और ना होश में आइए जजमान। होश में आइए जजमान। आज तो काल मंडराए थे जजमान। काल मंडराए थे बेटा। इतना रिपीट करने क्या असली बात ही भूल गया। अगर आप इसे डम कर रहे हो अभी तो आपको मैं 5000 रुपीज दूंगी। ओके डम। भैया आपका तो कट गया। मेरा तेरा कट गया बहने मेरी। नहीं नहीं बहुत ज्यादा मस्ती करता है। अरे बच्चे तो आजाद पंछी होते हैं, खुला छोड़िए इसे। जाओ बेटा खेलो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो खेलना शुरू हो गया। मम्मी ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मम्मी सब कुछ ये देखो आप क्या बच्चा है ये बच्चा नहीं आपत्ति पुड़िया है, क्या है ये, हद हो गई। ये डेली कलेश होता है घर में गेट गेट के चक्कर में। मम्मी कहती है गेट लेके आ गेट लेके आ, सैलरी मिली। ओके गेट ले ही लेता हूँ यार, उनकी भी एक बार सुन लेता हूँ। हेलो भाई, हेलो भाई यार गेट बन जाएगा। अच्छा यार तो क्या मत बनवाओ भाई। क्या हो गया भाई, कल इसके घर में खुशी हो। हेलो गाइस आपका स्वागत है मेरे ब्लाउज में। ए ब्लाउज में और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स सभी ब्लाउज में भाई। तो हम लोग आज वीडियो बनाने आए हैं, ये हमारा गोल पट्टा से हेडशॉट। आप हमें बता दें कि लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि लड़के? देखें इस वक्त कैमरे के सामने एक लड़की भी मौजूद है, एक लड़का भी मौजूद है, ठीक है कि नहीं। पानी की बोतल ले आए, दोनों मुंह धो के दिखाते हैं।
क्या कहती हैं आप? इस वक्त आपने मेकअप किया हुआ है कि नहीं? कह रहा हूँ ना, दोनों बैठे हुए कैमरे के आगे, पानी की बोतल ले आए, मुंह धोते हैं, पता चलता है कौन खूबसूरत है। हाँ ठीक है बस। सारी उम्र में जो कर, क्यों ऐसा सवाल क्यों पूछा है? बाबा, क्या आप अपनी जबान से नाक छू सकती? तो भोसड़ी के, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पर चले आए। खत्म। ये सबको यही टैलेंट दिखाता रहता है। वाह क्या बात है, ये एड बनाने वाले भी किसका पोपट बना दे पता नहीं चलता है ना, वो जबान से ना। ये तो अनन्या पांडे वाला एड है ना, आई कैन टच माई नोज विद माई टन। ये तो वाला एड है, उनसे कहो ना, उनसे ये वाला एड करवाओ कि हाँ वो टच कर सकती है अपनी नाक को अपनी जबान से, ठीक है, तो उनसे ये वाला ऐड करवाओ, ज़्यादा सही रहेगा। दोनों हार्पिक के ऐड में बराबर बराबर वही अगुन साफ कर रहे होंगे। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।